प्रश्न है, समाज में साधु गुरु सन्यासी की क्या आवश्यकता है। हमारे देश में अनेक साधु गुरु एवं सन्यासी हैं। बहुत लोग उनके पास आया जाया करते हैं। कौन किस प्रकार से हैं, कैसे कार्य करते हैं, इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, परंतु सामान्य रूप में वेद के आधार पर बताता हूं। ऐसा रहेगा नहीं, वेद कहता है। वो ही साधु हैं जो साधुवाद की चर्चा करते हैं, जो साधुवाद को समाज में फैलाकर साधुवाद की स्थापना करते हैं। सन्यासी वो हैं जो संपूर्ण रूप से अपने आप को दूसरे के कार्य हेतु अर्पण कर देते हैं, स्वार्थ त्याग कर। अपने घर को सबका घर समझें और समझाएं। जो त्याग का मर्म दूसरों को बताए, वो ही वास्तव में सन्यासी हैं। गुरु वो हैं जो समाज के अज्ञानता रूपी अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का उजाला फैलाएं, जिनकी चिंता समाज को अपने शिक्षा दीक्षा द्वारा ऊपर उठाना और सुंदर बनाना हो। व्यक्ति हैं समाज की एक एक ईंट। इन्हें ठीक से तैयार कर पाने पर समाज की दीवार एवं बुनियाद मजबूत और स्थायी होगी। एक इंजीनियर या चिकित्सक जब शिक्षा देते हैं, तब क्या उनमें कोई मिथ्या आचरण रहती है? वो देखते हैं छात्र ठीक से शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। उसी दिशा में उनकी प्रचेष्टा रहती है। जैसे भी हो, प्राकृत तथ्य उनको सिखा दें, यही गुरु या शिक्षक का कार्य है। शिक्षक अपने छात्र की शिक्षा को सामर्थ्य बनाना चाहता है, ताकि वो उसका प्रभावी व्यवहार अपने जीवन में कर सके तथा समाज में उसका प्रयोग कर सके। शिक्षा के अनेकों विभाग हैं। विभिन्न विभागों के शिक्षक विभिन्न प्रकार की पद्धति से शिक्षा देते हैं। उनमें कोई दिखावा नहीं होता। धर्म शिक्षा में ही ये क्यों आएगा? संधान नहीं पाने पर ही भ्रम पैदा होगा, दिखावा आएगा। समझ आ जाने पर बाहरी आडंबर दूर हो जाता है। जहां देखो आडंबर, मानो समझ का अभाव है। हमारे समाज में विशेषकर ऐसा देखने को मिलता है। इनकी ऐसी भाव भंगिमा होती है, मानो ये लोग देवताओं के राज्य से आए हों। उसी रूप में ये लोग चलते हैं। हजारों वर्ष पहले वेद बता चुका है, ये मिथ्या आडंबर करने वाले समाज के शोषक परजीवी हैं।
समाज को चूस चूस कर अपने को पुष्ट करते हैं। भेदभाव दलबाजी का ये लोग मूल कारण है। ये लोग ही समाज को एक करवट पलट कर रखे हुए हैं। तथा कथित इन नामधारी साधु सन्यासी गुरु महानों के कार्यों के लिए ही साधु सन्यासियों के नाम से अधिकांश लोगों को एलर्जी है। सही साधु सन्यासियों के कार्यों में कोई आडंबर नहीं होता। वेद की प्रकृति व्याख्या एवं विश्लेषण में वो डूबे रहते हैं। वो सहज सरल रूप से जीवन निर्वाह करते हैं। वस्तु के स्वभाव धर्म को सहज तरीके से समझकर समाज में सहयोगिता समता की ओर रुझान पैदा कर दिशा दिखाते हैं। राहु केतु शनि के संबंध में वेद में कुछ नहीं कहा गया। अतः शांति जाप की यहां कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रायश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। व्यक्ति जीवन में ग्रहों का प्रभाव या सामाजिक जीवन में शांति जाप की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। इनकी वैज्ञानिक एवं सामाजिक व्याख्या को क्यों, किसके लिए इनका व्यवहार, इसके मूल तत्व को जानकर उसी प्रकार चिंतन करने से इनके सही में क्या उपयोग हैं कुछ जान सकोगे। एक श्रेणी के लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इनका विकृत अर्थ एवं अपव्यवहार कर रहे हैं। साधु सन्यासी का रूप धारण कर शनि राहु का डर दिखाकर शांति जाप के नाम पर व्यापार चला रहे हैं। वेद कहता है कि इनसे सावधान रहो। व्यवसाय की एक दूसरी धारा साधु के वेश में असाधुता, देश की अर्थ संपदा को पूंजी बनाकर संचय कर ऊंचे दर में व्यापार करना है। एक ही उद्देश्य से दो वर्ग के लोग समाज की छाती पर चढ़ उसका रक्त शोषण कर अपने लाभ का व्यवसाय चला रहे हैं। प्राकृत साधु सन्यासियों का कार्य है इनके चंगुल से समाज की रक्षा करना। आज के साधु संत जितना भी लंगर डालें, साजबाज दिखाएं, सब आधिपत्य जमाने और निरीह लोगों के रक्त चूसने के अलावा और कुछ नहीं। लोग इनकी ओर झुक जाते हैं। इसका कारण है कहीं से उन्हें कुछ नहीं मिलना। लोग सोचते हैं चलो इधर ही चलें, यदि कुछ प्राप्त हो जाए। इसी मनोभाव से वो इनकी ओर झुक जाते हैं। लोग जितना अधिक झुकते हैं उनके शोषण का कार्य उतना ही आसान होता जाता है। याद रखो, वेद कहता है हमें इनको उपेक्षित कर अपना कार्य करना होगा। ये कुछ नहीं प्राप्त कर पाए हैं। दाढ़ी मूछ पोशाक और लंगर भोज से देवता नहीं मिलते। सन्यासी बने। सन्यासी वो हैं जो सत चिंतन सत कर्म में व्यस्त हों, जिनमें त्याग और भोग की समान सोच हो। सन्यासी वो हैं जो त्याग में आनंद का उपभोग करते हैं। ये त्याग किसी वृत्ति का त्याग नहीं, बल्कि समाज कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग है। सन्यासी वो हैं जिन्होंने दूसरे के लिए अपने को उत्सर्ग किया हो, जो सभी को अपना माने, भेदभाव ना करे। सन्यासी की उपाधि उन्हीं को जचती है। घर छोड़कर चले जाने से सन्यासी नहीं हुआ जाता। ये त्याग कैसा? ये तो पिता का घर छोड़ ससुराल जाने जैसा है। इस प्रकार के सन्यासी महात्मा मानो
जाल डालकर बैठे हैं, फंदे में फंसकर अपना दल भारी करने में लगे। पक्षी के कारोबारी प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा अफीम पक्षियों को खिलाते हैं, जिस कारण वो इनकी ओर आकर इनके वशीभूत हो जाते हैं। नशे की आशा में पक्षी प्रतिदिन नियत समय पर आकर व्यापारी के घर हाजिर हो जाते हैं। उनके संग और भी पक्षी चले आते हैं। चतुर व्यापारी इन्हें भी नशा का लत लगा देते हैं। उसके बाद इच्छा अनुसार इन्हें पकड़ पकड़ कर व्यापार को बढ़ाते फैलाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक श्रेणी के व्यवसायी पूर्व जन्म की दुहाई देकर कहते हैं कि इस जन्म में उसी का दुख, दुर्दशा, ग्रह दशा, राहु केतु दशा भोग करना पड़ता है। इसे इस प्रकार से समझाते हैं कि लोग डर जाते हैं और उनके मुरीद हो जाते हैं, उनके फंदे में फंस जाते हैं। वेद इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। ये जितने भी प्रसिद्ध हों, समाज के नुकसान के सिवाय कुछ भी बना नहीं करते। जमींदारी प्रथा के अनुसार वंशानुक्रम से ये गद्दी दखल कर उसका भोग करते हैं। प्रथा का तो ये उच्छेद हुआ, अब इनका उच्छेद आवश्यक है। वो दिन दूर नहीं है जब इनसे समाज घृणा करेगा। आडंबर और कितने दिन चलेगा? आडंबर का युग अब समाप्ति के मार्ग पर है। कुछ दिन पहले कुछ भक्तों के संग एक सन्यासी मेरे पास आए थे। बात बात में उनकी आंख पलट जाती, भयभीत हो जाते। पूछने पर वो बोले, 35 वर्ष हो चुके हैं जब उन्होंने सन्यास ग्रहण किया था। मैंने पूछा, आपके कौन कौन हैं? वो बोले, कुछ वर्ष हुए मां मर गई, स्त्री है, दो पुत्र हैं। तब उन्हें कहा, स्त्री पुत्र के रहते आपने किस आशा किस लोभ में घर छोड़ दिया? उन्होंने उत्तर दिया, लोभ तो नहीं आया, हमें संसार अच्छा नहीं लगा जिस कारण घर छोड़ा। मैंने थोड़ी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, संसार में जब अनेक दिन गुजारे, स्त्री पुत्र सभी जब हैं, तब भोग अवश्य किया है। अब भोग का दूसरा मार्ग अपनाना चाहते हैं। मेरी बात को सुन उनकी भौहें तन गई। वो क्रुद्ध हो मुझे बहुत कुछ सुना बैठे। मैंने कहा, आपकी तो कोई वृत्ति नष्ट नहीं हुई है। मेरी एक बात पर जब भौहें तन जाती हैं तो क्रोध भी है, मान अपमान का बोध भी है। आपकी बातों की आलोचना से लगा कि भोजन भजन में आप तृप्त हैं। लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, ये चतुराई आप में मौजूद है। ये सारी चीजें यदि हैं तो बाकी भी होंगी। त्याग तो आपका कुछ भी नहीं हुआ। ये त्याग किसी दिन किसी से होता भी नहीं है। जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। मां को तो कष्ट देकर आए ही हैं, दुख शोक के कारण वो स्वर्गवासी हुई। स्त्री पुत्र जब वर्तमान में हैं तब उनका दुख और ना बढ़ाकर घर वापस चले जाइए, उनको सुख पहुंचाइए और स्वयं भी सुखी बने। संसार में धर्म का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक चर्चा हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। संयमी जीवन बिताना धर्म चर्चा का ही एक अंग है। संयमी जीवन का अर्थ सहजात वृत्तियों का त्याग करना नहीं है। ये त्याग कभी होता भी नहीं। सिर के बल से पांव की अंगुलियों तक कुछ त्याग नहीं किया जा सकता।
जो कहते हैं इनका त्याग किया है या कर पाया हूं, मेरे समक्ष लाकर उन्हें खड़ा करो, देखें सवाल पर टिकते हैं या नहीं। कोई नहीं टिकेंगे। वृत्तियों का त्याग कोई नहीं कर सकता। वेद कहता है जब तक शरीर है वृत्तियां भी रहेंगी, संपूर्ण त्याग नहीं होता, केवल संयम रखना होता है। संयमी बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। अतः मैं त्यागी, मैं सन्यासी कहने से क्या लाभ? अब सिर्फ ज्ञान का टैंक चलाओ। इस प्रकार वो सन्यासी अपनी भूल स्वीकार कर घर लौट गए। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण।